राजेश मोहन का। राजेश जी, क्या मुद्दे आपको लग रहा है इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होने वाले हैं, क्या सोचकर आम पब्लिक? देखिए, वोट तो अपने अपने क्षेत्र से लोग करते हैं और उसमें सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी का जो सर्वांगीण विकास हुआ है उस ओर सभी लोग चाहत में हैं और भी अच्छा से वोट देंगे। परंतु हम कुछ मध्यम वर्गीय लोगों के हित में बोल रहे हैं कि वे लोग चाहते तो हैं कि मोदी सरकार बने, मगर क्रश बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी कुछ नीतियाँ ऐसी है कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हित में नहीं है। जैसे कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से, कुछ GST दृष्टिकोण से, कुछ सुरक्षा दृष्टिकोण से, कुछ नीचे दबके के लोग और ऊँचे उच्च क्लास के लोग तो अपने अपने सुरक्षा में और सभी मस्त रहते हैं, परंतु मध्यम वर्गीय में सरकार को कुछ नीति ढीली देनी चाहिए और उनके हित के लिए जो उपाय हो वो करना चाहिए। इसकी वजह आपको क्या लगती है मध्यम वर्ग, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जो तमाम सरकार की तरफ से फ्री योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए भी तो टैक्सेस बढ़ाकर मध्यम वर्ग से लिए जाते हैं। फ्री योजना से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि फ्री योजना से तो निम्न वर्ग के लोग फायदे में ले जाते हैं और उच्च वर्ग को कोई प्रभावित होता नहीं है। तो मध्यम वर्ग को उतना जो टैक्सेशन के तहत उनकी कमाई खराब हो रही है, उनकी मानसिक स्थिति में तनाव हमेशा रहता है कि हम लोग कमाएं कि मेंटेन करें खाली कागज पत्र का ही। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वर्ग है, तो वो अगर खुशहाल होगा तो पूरा देश खुशहाल होगा, ये बात है। साथ ही विकास की जहां तक बात है, ठीक है, अच्छी बात है, विकास हो रही है, सर्वांगीण विकास भी होना भी चाहिए और सभी वर्णों का, सभी वर्गों का भी होना चाहिए और हो भी रहा है। इस ओर सरकार स्वयं ध्यान दे रही है, इसके लिए कोई बात नहीं है। सुपौल की अगर मैं बात करूँ, रोजगार शिक्षा के लिहाज से कैसे देख रहे हैं, सालों से आप लोग देखते आ रहे हैं, कुछ बदलाव हुआ है? सुपौल को थोड़ा अपेक्षा के दृष्टिकोण से अन्य दृष्टि जगहों के दृष्टिकोण से यहाँ अपेक्षा की जा रही है, जैसे रेल वगैरह है और बाकी चीज में तो विकास हुआ है, मगर भारत सरकार चाहे तो रेल को भी अच्छी ढंग से यहाँ व्यवस्था कर सकती है। सारी व्यवस्था हमारे यहाँ है, सिर्फ हरी झंडी दिखलाने की जरूरत है, तो वो मन की बात है। हम लोग काफी प्रयास कर चुके हैं परंतु उसका सक्सेस नहीं आया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आदिकाल से यहाँ सुपौल से हर चीज चालू थी, सुपौल से पटना कई वर्षों तक चालू रही, मगर इधर 5-10 वर्ष से जब से रेल का परिचालन नया बना तब से आज तक शुरू नहीं हुआ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।